ये एक करोड़ का ये बना है। एक करोड़ का है ये। अच्छा, यहाँ की जो व्यवस्था है वो एकदम ढीली सी चरमराई हुई सी है। विकास देख तो रहे हैं, विकास हुआ है, देख तो रहे हैं, आप भी तो देख रहे हैं। मेरे को तो पेंशन आज से नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? आवेदन डाले थे? आवेदन तो कई बार डाल दिखा। यहाँ जो है कांग्रेस वाले जो है खाली अपने पेट झोली भर रहे हैं बस। मगर मंत्री जी के जो चमचे हैं ना वो बर्बाद करके रखे। वोट हम दे भी दें लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि मुसलमान ने हमको वोट दिया। वोकल टीवी जनमुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी के क्षेत्र में मौजूद हैं। अमरजीत भगत जो है कितना लोगों का दिल जीत पाए हैं, पिछले 4 पंचवर्षीय से लगातार विधायक रहे इस क्षेत्र में। आज सीतापुर में हम मौजूद हैं और सीतापुर की जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विकास का स्तर क्या है, कितना कुछ विकास का काम हुआ है। सड़कों का हाल तो देख ही सकते हैं लेकिन सड़क के अलावा भी और क्या क्या प्रमुख समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ लोगों के पास चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं जो है बरकरार हैं। चूंकि चुनाव में कुछ ही दिन शेष हैं और ऐसे में जो है लगातार सभी पार्टी के प्रत्याशी जो है क्षेत्र में जो है लगातार दौरे पर हैं और दौरों पर लगातार आम जनता से भी मिल रहे हैं और आम जनता से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं साधने पर जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से जो है आम जनता को साधा जाए और उन पर जो है उनकी बातों पर कितना प्रभाव जनता पर पड़ रहा है, ये महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि चूंकि बात करें आसपास के क्षेत्रों की तो उनमें कहीं ना कहीं आवास की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, तो किसी को पेंशन की समस्या लगातार जो है बनी हुई है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितना कुछ विकास का स्तर है और क्या कुछ विकास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, प्याज की बोरियां, आलू का जो है यहाँ पर बोरी बंधा हुआ है, शायद होलसेल मार्केट होगा। आप कहाँ यहीं से हैं सर? जी मैं यहीं सीतापुर से हूँ, मेरी दुकान है ये। अच्छा, आपकी दुकान है। क्या कुछ विकास का काम है और कितना कुछ देखने को मिल रहा है, समस्या बरकरार है? किस मामले में पूछना चाहते हैं आपके विकास क्षेत्र में जो है विधायक जो है? देखिये हमारे सीतापुर का जो रवैया है यहाँ पर हम देखते हैं विगत कई वर्षों से कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो एकदम ढीली सी चरमराई हुई सी है। अच्छा, कारण क्या है कि यहाँ पर लोगों का जो व्यवस्था बनाते हैं वो अपने में ही मस्त रहते हैं। अच्छा। हम पब्लिकों का उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जो कि उनको देना चाहिए। आज इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, रोडों को देख रहे हैं, इन्होंने वादा किया था कि बढ़िया से बढ़िया रोड बना के देंगे, आज थूक पॉलिश करके छोड़ दिए हैं, ये कितने दिन चलेंगे? हमारा कहना ये है कि आप कुछ भी काम करें ठोस करें, ठोस करेंगे तो आपको भी जो है हमारे तरफ से सहानुभूति मिलेगी और हमारा भी मन खुश रहेगा। पिछले 4 पंचवर्षीय विधायक रहे हैं, इससे पहले जब विधायक बने थे 2013 में तब काम कैसा था, इससे बेहतर था? बेहतर क्या था, उस समय काम होते तो थे। अच्छा। लेकिन इतने अच्छे स्तर से पहले भी नहीं हुए हैं और आज भी वही व्यवस्था चरमराई सी है। हम चाहते हैं कोई ऐसा नेता है जिससे कि हमारे सीतापुर में विकास हो। आज हमारे पास मैन पार्ट है, इसमें लोगों का कहना है कि हमारा जो है कश्मीर कहा जाता है, तो कश्मीर कहने से तो मेन पार्ट नहीं हुआ ना, वहाँ पर उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी और हम जो है कश्मीर के नीचे बैठे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारे लिए कुछ होना चाहिए। जनता बदलाव चाहिए? हाँ, जनता बदलाव नहीं, हमको नेता से मतलब नहीं है, कोई भी नेता है, हमको प्रोग्रेस चाहिए। हमारा सीतापुर जो है एक बहुत अच्छा शांत एरिया है, ना तो यहाँ नक्सलाइड है, ना कोई डकैती होती है, ना कुछ होता है, तो हम जो है खुश रहें, हमारी जनता सीतापुर की खुश रहे, इससे बेहतर और क्या चीज़ है। क्या सीतापुर की जनता एक बार फिर मौका देगी अमरजीत भगत? उम्मीद तो है देंगी, क्योंकि यहाँ का जो गढ़ है ये कांग्रेसी गढ़ है जैसा लोगों का कहना है और लोग उम्मीदवार को न देखते हुए वो सीधा पंजे छाप में मोहर लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये बात अलग है। बाकी यहाँ पर जो बीजेपी के जो आ रहे हैं हमारे राम कुमार टोपो जी, तो उन्होंने भी वादा किया है कि हम अगर आएंगे तो कुछ बदलाव देंगे और बदलाव देने के साथ साथ में उनका सभी क्षेत्रों में घुमाव भी हो रहा है, लोगों को बताया जा रहा है हम ऐसा वादा कर रहे हैं, हम ऐसा करके देंगे, तो शायद जनता जो है चाहेगी कि उनको भी लाके देखें। मुख्यमंत्री का चेहरा जो है बतौर मुख्यमंत्री कांग्रेस में किसको देखना चाह रहे हैं आप या बीजेपी में कौन हो सकता है? देखिए भैया मैं आपको पहले ही बताया, मैं कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नहीं रखता,
मेरे को तो जैसा उम्मीदवार समझ में आता है मैंने उसको वोट देना है। भूपेश सरकार का कामकाज कैसा लगता है पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो? मैं तो देखूंगा जी, आज मोदी जी का जो है कार्य करने की शैली वैसा तो किसी भी नेता में नहीं है। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि आप केंद्र में रहें, चाहे राज्य में रहें, चाहे कहीं भी रहें, लेकिन आप कुछ करके दिखाएं। आप कुछ करेंगे तो हम नहीं देखेंगे कि हमको बीजेपी को देना है या कांग्रेस को देना है, हमको उम्मीदवार को देना है, लेकिन आप कुछ करके विश्वास तो दिलाओ हमको, जब तो हम कुछ बोल पाएंगे। समस्या क्या 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 अमरजीत भगत इस बार आएंगे दोबारा? आ भी सकते हैं। आप किसको जिताना चाह रहे हैं? कांग्रेस का गाढ़ है, आप कांग्रेस से जगह उसी में दबाएंगे जी। ये जो है मार्केट है सीतापुर जो नगर पंचायत है उसका, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरे को नहीं जानता। अरे बताओ बताओ। आसन दास। क्या लग रहा है आपके विधायक का काम कैसा है? अरे हमारे गरीब मन सुनवाई नहीं करे सर। तो मेरे मुझे अभी बातचीत में पता चला कि नेताजी रात को भी फोन उठा लेते हैं आपके क्षेत्र के लोग उठाते हैं, बड़े बड़े आदमी तो उठा रहे हैं, हमारे जैसे छोटा छोटा आदमी के लिए कोई। हम एकदम भिखारी है, एकदम गरीबी है। क्या लग रहा है आएंगे? भाई आ भी सकते हैं। आप किसको देखना चाह रहे हैं? जो काम करेगा उसी को देखेंगे। इनका काम कैसा लग रहा है? वही तो कह रहे हैं भाई, चावल दे रहे हैं, चावल को जो के खा रहे हैं बस। बताओ भैया, आप इसी क्षेत्र के रहवासी हैं, क्या कुछ समस्या है और कितना विकास पिछले 5 साल में मंत्री जी के द्वारा देखे? रोड अभी अभी बना है, रोड ज्यादा दिन नहीं है, अभी 15 दिन पहले रोड बनना चालू हुआ है। विकास तो शहर के लिए तो विकास खास नहीं हुआ है। अच्छा, बात बाकी जनता तो परेशान है, धूल धक्कड़ खा रहे हैं रोड का। सड़क की प्रमुख समस्या, इसके अलावा और क्या क्या समस्या अहम है इस क्षेत्र में? बात बाकी ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला, लेकिन सड़कें का प्रॉब्लम है, ज्यादातर अंबिकापुर सीतापुर का सड़क बहुत बुरा हाल है। क्या लग रहा है इस बार रिपीट होंगे? रिपीट देखिए, कांटे का टक्कर है, कांटे का टक्कर है, बीजेपी चाहे कांग्रेस जो भी कहिए आप, कांटे का टक्कर होगा, थोड़ा मोड़ा में हाथ जीत होगा तो थोड़ा मोड़ा। फिर भी क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनती दिख रही है? अभी का डेट में तो रामकुमार टोपो जी बढ़त मिल रहे हैं। ओवरऑल देखें पूरे राज्य में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही? अब उधर का तो पता नहीं है, सीतापुर का बता रहे हैं, सीतापुर में रहते उधर का कुछ ऐसा जानकारी नहीं है। जसपुर के हैं आपके विधानसभा? कुनकुरी में। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में किसका रुझान देखने को मिल रहा है आपके क्षेत्र में? क्या है लग रहा है? बीजेपी का। बीजेपी आएगी उस क्षेत्र में? कौन है वहाँ से आपके यहाँ से प्रत्याशी? विष्णुदेव साय। पूरे छत्तीसगढ़ में देखें तो क्या लग रहा है, किसकी लहर दिख रही है? उतना तो उतना तो बता नहीं पाएंगे हम, उतना नहीं। कांग्रेस। आप किसको देखना चाह रहे हैं, किसका सरकार बनना चाहिए? देखिए आप किसका सरकार बनेगा, वोट देना हम लोग का काम है। नहीं वोट ये कलर से तो मैं कुछ और ही समझ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये सिर्फ एक संयोग है बोल दो। नहीं 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 भैया, ये सनातन धर्म का कलर है, भैया ये जो कलर संतरे कलर का है ये सनातन का दम है। आदमी इसको लेते ही शरीर में अपने आप में गौरव महसूस करता है, इतना ऊर्जावान महसूस करता है कि हाँ जो कुछ है हम ही है, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। ये रंग के में कमाल है और रंग की शक्ति है। आज पूरे भारत में ये रंग भगवा रंग जो है छाया हुआ है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी कहना है, हमारे जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के उनका भी कहना है कि भगवा रंग है जो रंगों में सबसे आगे है, सबसे राजा कलर है तो भगवा। अच्छा ये बताइए जो भारत माँ है उसकी चुनरी में सिर्फ एक रंग होने चाहिए कि बहुत से रंग होने चाहिए? देखिए कलर सारे अच्छे हैं, कलर की कोई दिक्कत नहीं है, माँ की चुनरी में सभी कलर होने चाहिए, साथ में लाल कलर का प्रादुर्भाव ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में हमारी भारत माता है। ठीक है हम धर्म निरपेक्ष राज्य से हैं, लेकिन भारत माता का कहना है कि हमारे जो सपूत हैं वास्तव में वो हमारे हिंदू समाज के कहिए चाहे सनातन धर्म के कहिए, वही लोग आगे चलते हैं, वही लोग मेरे को दूषित नहीं करते हैं। बाकी समाज के भी हैं लेकिन वो कत्ल आलम करते हैं तो मेरे भी चुनरी में दाग लगती है। मेरा कहना ये है भारत माता की तरफ से कि सभी लोग अच्छे से रहें, भाईचारा से रहें, एकजुटता बना के रहें, तब हमारा भारत जो है अक्षुण राज्य होगा। काल बताओ, लाइट खंभा देखा था मगार दे है बस तो है नहीं, लाइट का सुविधा है यहाँ? लाइट तो सुविधा है लेकिन रोड लाइट कम है, स्ट्रीट लाइट। हाँ और क्या क्या समस्या है? और मेड़ मरम्मत वगैरह तो नहीं मिल रहा है भाई समतलीकरण के लिए, मेरे मैं चाह रहा था तो मेरे को नहीं दिया गया।
अच्छा। 5 एकड़ से कम वाला जमीन वाला हूँ मैं। नहीं दिया गया। और क्या क्या मुद्दा है भैया, जैसे सड़क वगैरह ठीक है, नाली वगैरह की व्यवस्था? नाली अभी बनना है, नहीं बना है पूरा रोड किनारे। क्या लग रहा है इस बार आएंगे अमरजीत भगत? अब देखो, लोग तो अपने मुंह से तो कह रहे हैं आएंगे कह के। नहीं, आप लोगों को क्या लग रहा है, आप जितवाएंगे उनको? उनको अब मेरे अकेले से थोड़ी हो पाएगा भाई, एक वोट से ही जीत हार होता है। आप जैसा आम आदमी क्या सोच रहे हैं, हम यही जानने आए हैं। आप क्या सोच रहे हैं? जीत सकते हैं, जीत ही जाएंगे तो नहीं कर सकता, लेकिन जीत सकते हैं। आप किसको देखना चाह रहे हैं आपके क्षेत्र में विधायक? मैं तो बदलना चाहता हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री अभी बघेल भी ना रहे, रमन भी ना रहे, कोई नया रहे। नया मतलब किस पार्टी? भाजपा के रहे। भैया बताओ, कितना भी कुछ विकास हुआ आपके क्षेत्र में और क्या क्या समस्या अभी भी? विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ है, अभी भी ग्राम स्तर में कोई विकास नहीं। जो कुछ बनाया प्रधानमंत्री सड़क बनाया है तो प्रधानमंत्री तरफ से है, बाकी यहाँ विकास के नाम से कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तो अमरजीत जो है मंत्री भी रहे हैं, हाँ, तो इस क्षेत्र में जो है लोगों का मान्यता है, हम लोग बाहरी लोग सोचते हैं कि अपने क्षेत्र में जो विकास का स्तर होगा और बाकी क्षेत्रों ज्यादा होगा, क्या क्या मुद्दा और बना हुआ है? बस विकास को लेकर मुद्दा है, और बाकी यहाँ जो है कांग्रेस वाले जो है खाली अपने पेट झोली भर रहे हैं बस। अच्छा। बाकी विकास कुछ नहीं किए। क्या लगता है इस बार बदल सकती है? एक बार बदलेगा, बदलेगा हाँ। इस बार सब बोल रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। 20 साल रह चुका मजदूर भगत यहाँ विधानसभा में, हाँ 20 साल हो गए। अभी आपका अभी नया उम्मीदवार खड़े किए हैं भाजपा से, उनको जिताने का प्रयास है। और बिजली पानी और क्या क्या व्यवस्था है, शिक्षा वगैरह को लेके क्या स्तर है? शिक्षा की स्तर बस ऐसी है, कुछ कोई खास नहीं है। बाकी बिजली तो ठीक ही है रहने के लिए। पानी की व्यवस्था नल जल योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा है वो भी ठप पड़ा है यहाँ, कुछ काम नहीं। पाइप नल बिछा दिए हैं, चालू नहीं किए हैं, लगभग 1 साल हो गया बिछाए हुए, चालू ही तो हुआ नहीं है। ग्रामीण सब पानी से परेशान है। मुख्यमंत्री का देखिए तो बता नहीं सकते हैं, देखिए कितने सीट आ रही कौन है, बीजेपी है। हम तो बीजेपी को ही देखेंगे, बीजेपी है, लेकिन चेहरा क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी ऊपर से हाईकमान बनाएंगे तो अच्छे देख बनाएंगे। कोई अच्छा काम नहीं हुआ है अभी तक, कुछ काम घूम के देखे रोड में, घूम के देखे रोड गए हैं कैसे है, क्या क्या समस्या बना हुआ है भैया वहाँ भी? दिक्कत है, पेंशन समधारी का दिक्कत है, 4-5 महीने से मिल भी नहीं है, नहीं मिला है। क्षेत्र में जाइएगा, कोई बात नहीं। और आवास वगैरह का? आवास वगैरह अभी बाकी है बहुत आदमी का, नहीं हुई। आप यहीं रहते हैं? रायकेरा कहीं हूँ। अच्छा, यहाँ गाड़ी उड़ी लगाते हैं उस टाइम में। यहाँ और भाई साहब मौजूद हैं, क्या कुछ विकास हुआ है और क्या क्या आप लोग का समस्या अभी भी मुद्दा है इस चीज़ भैया? हम लोग के यहाँ बहुत अभी काम बाकी है। क्या क्या भैया? आवास अभी तो एकदम 0 पॉइंट है जजगा पंचायत में आवास है, और मैंने रोड का भी समस्या है। मैंने रोड तो अभी भी बना है सर, ये बस मेन रोड तो बना है अभी तो। अच्छा, बाकी रोड कहाँ है? रोड हो गया, पानी, पानी भी नहीं आया है, पानी का भी समस्या। तो मंत्री जी हैं आपके, बोलते नहीं आप लोग इनका अभी तो? मंत्री जी तो बोले थे कि सब हो जाएगा, तो कहाँ आज तक तो एक का भी बोल रहे थे हमको आपके कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कि अगर कोई भी फोन करता है इस क्षेत्र के तो मंत्री जी तुरंत फोन उठाते हैं, तुरंत समस्या का निदान करते हैं। ऐसा सचमुच में है कि सिर्फ ये बनावटी बातें? कहीं बड़ा परेशानी रहेगा तो काम कर देते हैं। अच्छा, सड़क बड़ा नहीं है उनके लिए? अब सड़क तो ज्यादा बड़ा उनके लिए नहीं है, बाकी ज्यादा कोई आदमी को परेशानी में फंसे रहेंगे तो फोन कर देने से काम कर देते हैं। अच्छा, कर देते हैं काम। हाँ। आपके कभी मतलब कभी फोन ऑन किया मुसीबत में? हाँ, मुसीबत में किए थे तो काम हम लोग का कर हो गया था। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। सड़क के लिए भी बोलिए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तो नहीं, हम तो सड़क के लिए नहीं बोले हैं बनने के लिए। क्या लगता है इस बार क्या रुझान दिख रहा है मंत्री का? अब पता नहीं, अभी तो भैया दोनों का माहौल बराबर। जनता क्या चाह रही है? जनता का यही है कि मैंने अभी दोनों का देखिए अभी कंफर्म नहीं है, बदल भी सकते। अच्छा, ये बताइए मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री तो रमन को देखने चाह रहे हैं। रमन तो इसको देंगे तो रमन कैसे आएगा? वही तो बात है भैया, आम आदमी तो ऊपर है।
अगर हमारे कहने से तो हो नहीं सकता है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर हम रमन सिंह को देखना चाहते हैं, सबके अलग अलग मत होते हैं। यहाँ दीदी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? जीरो जी। यहीं रहती हैं आप, क्या कुछ क्षेत्र में समस्या और कितना विकास काम हुआ? आज काम नहीं हुई से था रोड मनी बनी से हमारे भिठवा रोड ला देखे भट्टी रोड ला उधर भी समस्या है। हाँ बहुत समस्या है। तो मंत्री जी तो फोन उठाते हैं, शायद फोन करिए कभी। कहाँ मंगवाते हैं तो नहीं उठाते। रोड एक प्रमुख समस्या है। हाँ, और जैसे जो घर की महिलाएं उनको जैसे चूल्हा वगैरह मिला हुआ है? मिली से चूल्हा तो और पानी वानी बिजली का सब चीज है, लेकिन रोड अच्छा हमारे। और शिक्षा वगैरह का क्या स्तर है? है क्या लग रहा है इस बार मंत्री जी को रिपीट लाएंगे? जी लाएंगे। हाँ। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? अब जे उठी से तही लादत नहीं, अब दुनिया दही तही लादते हो सब दही ते लाग कि अकेली थोड़ी बताई तो ला सुन कि अकेली में कोई चीज भी लग दे ना हो तो वो थोड़ी मोर दे में कैसे नहीं होई हो एक वोट ले जीत हार फुल्ला नहीं। यहाँ एक भैया ऑटो में मजे से बैठे हुए गाना सुन रहे, इनसे बातचीत करते। बताओ भैया क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ समस्या है? देखिए भैया विकास तो अब सब देख रहे हैं, जो हुआ है जो नहीं हुआ है उसको भी। तो भाई अब देखिए दावेदार तो है उठे हैं, तो अब दावेदार पब्लिक जिसको सपोर्ट कर करेगी, पब्लिक के ऊपर निर्भर करते हैं। पब्लिक में आप भी आ रहे हैं भैया? हाँ मैं भी पब्लिक में हूँ। ऐसा किसको सपोर्ट कर रहे हैं भैया? अभी तो मैं कुछ कहा नहीं जा सकता है, जब अभी 17 तारीख को आएंगे हम लोग के यहाँ पोलिंग है, 17 तारीख शुक्रवार को पड़ रहा है भाई, उसी को अपना मत। मतलब मंत्री जी का काम काज कैसा लग रहा है आपको इस बार इस पंचवर्षीय का? मंत्री का काम काज देखिए इसका लमसम 20 साल लगभग हो गया है। 20 साल में अभी देखा जाए तो जैसे गाँव देहात का में भी जो पहले था उस स्थिति में अभी नहीं है। पहले अच्छा? हाँ पहले जो शुरुआत था जो बोलते हैं ना शुरू शुरू में जो अपना रोल जमाते हैं उस समय में काम किया हर चीज का किसानों का और रोड इधर उधर सब। फिर धीरे 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 जैसे बढ़ता गया मतलब 2 साल मतलब 20 साल हो गए मतलब 4 साल कंप्लीट हो गए मतलब 4 चुनाव खाना चाहिए। तो भाई सरकार तो देखिए हर किसी को एक ही पद पे नहीं रखना चाहिए, कहे कि वो मेरा भी नहीं है ना किसी का भी नहीं है, मतलब बदलना चाहिए। हाँ बदलना चाहिए। ठीक बदलाव चाह रहे हैं मुख्यमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं उसमें भी बदलाव चाह रहे हैं? हाँ उसमें बदलाव तो देखिए बदलाव तो वो अभी ठीक ही कर रहे हैं, बदलाव हम लोग नहीं चाहते। मतलब मैं अपना मत को बोलता हूँ, अब आम आदमी का जैसा सोच किसी का भी नहीं कहा जा सकता है। फिर भी क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार विधानसभा में या फिर लोकसभा में? नहीं नहीं विधानसभा पूछ रहा हूँ। विधानसभा में तो बदलना चाहिए, विधानसभा में बदलना चाहिए। बदलना चाहिए किसकी सरकार आएगी, बीजेपी कांग्रेस? अब देखिए बीजेपी के तो एक बार देना चाहिए दावेदार। माहौल यहाँ बन रहा है मंत्री जी जो आपके चार पाँच वर्ष गुजार चुके हैं, कितना विकास का स्तर है क्योंकि कैबिनेट मंत्री भी हैं, इस क्षेत्र को कितना सौगात दिए? देखिए देख तो रहे हैं आप रोड में गर्दा उड़ रहा है। गर्दा उड़ रहा है। हाँ। यहाँ बता रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता कि फोन उठा लेते हैं कभी भी रात को 12 बजे मंत्री जी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बड़े जो है तत्पर रहते हैं, क्या है इसमें सच्चाई है कि सिर्फ बातें? उतना मेरे को जानकारी नहीं है। बताइए उसमें भी गर्दा उड़ा दिए? उतना जानकारी नहीं है। क्या लग रहा है इस बार आएंगे मंत्री जी? हम नहीं बता सकते। फिर भी आप क्या चाहते हैं बदलाव कुछ? नहीं बता सकते। नहीं बोलेंगे? नहीं। आप बोलेंगे भैया? बोलिए बोलिए क्या कुछ भी आप एक युवा है और किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं क्षेत्र में है जिस पर काम करना चाहिए सरकारों को? काम तो जो वादा किए हैं उनको पूरा करना चाहिए और कर भी रहे हैं, और इस बार फिर से कांग्रेस सरकार बना रही है। अच्छा बना रही है, अब की बार फिर कांग्रेस? जी इनका कहना है कि निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस सरकार बना रही है। यहाँ पे एक दादा जो है जा रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कैसे दादा क्या क्या समस्या है इधर, काम हुआ हो? काम वगैरह हुआ है? क्या काम कर रहे? सरकार काम वगैरह कर रही है? हम सरकारी काम नहीं कर रहे भैया। विधायक काम हुआ कर रहे हैं? विधायक आपके क्षेत्र में सड़क पानी बिजली आवास पेंशन हुआ मिल रहा है?
मेरे को तो पेंशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, यही रहते हैं आप? मैं हम रोडी में रहता है, नहीं यहाँ से 25 किलोमीटर। आपके विधायक कौन है? यही अमरजीत। अमरजीत, अमरजीत बहुत अच्छा काम कर रहा है सुनने में, कैसा है आपके हिसाब से? तो मेरे को तो पेंशन आज से नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? आवेदन डाले थे? आवेदन तो कई बार डाल दिखा। क्या बोलते हैं? तो पता है कि नहीं है, और सर मेरा तो सर 4 साल बाद 2 साल 1 महीना नहीं पूरा है। अच्छा। मेरा बाल पका देखा है। तो क्या लग रहा है, इस बार जितवाएंगे उनको कि बदलेंगे? आज जिसको अपना मर्जी है तो संविधान है। आप किसको जितवाना चाह रहे हैं? आपका मत जान रहा हूँ। आप सब देंगे तो उसी को देंगे, सब थोड़ी बताएंगे किसको दे रहे हैं। आप किसको देखना चाह रहे हैं बतौर विधायक? अब हमारे गाँव में यही है, इसी को देंगे, इसी को देंगे। और भी तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो विकास का स्तर है वो कहाँ तक पहुँचा है, और वो जो लोग हैं वो किस तरह से देख रहे हैं विकास के काम काज को। यहाँ एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नहीं बोलेंगे आप, ये बोलने से मना कर रहे हैं। यहाँ जो वरिष्ठ जन हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादा, किस तरह का विकास का काम इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 4 पंचवर्षीय रह चुके हैं अमरजीत भगत जी और अब वर्तमान में मंत्री हैं? विकास देख तो रहे हैं, विकास हुआ है, देख तो रहे हैं, आप भी तो देख रहे हैं। और क्या क्या समस्या? सड़क से समस्या दिख रही है हम लोग को भी, बहुत सा समस्या। ये 1 करोड़ का ये बना है, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का है ये, अच्छा समझे है ना, 1 करोड़ का है पूरा यहाँ। अब ये उखड़ रहा है, बाद में क्या होगा, समझे, यही सब हो रहा है, अब क्या होगा। क्या लग रहा है, इस बार आएंगे? अब तो भाई अब उनकी नसीब के ऊपर है। अच्छा, आप किसको देखना चाह रहे हैं, विधायक बदलना है या इन्हीं को लाएंगे? भाई अब हम लोग तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी को देंगे। अच्छा, अब वो जीते कि हारे कि ना हार, लेकिन आप कांग्रेस को ही देंगे? हाँ। आप बताएंगे दादा कुछ, क्या कुछ प्रमुख समस्या है सड़क के अलावा? यहाँ का तो मैं नहीं हूँ, लेकिन गांव में तो बहुत समस्या है। जैसे कि बोर हुआ, पानी का साधन है ना, सड़क भी है वहाँ जो कि आदमी ऐसे ही चल रहा है ना। मंत्री जी का काम कैसे देख रहे हैं आप, किस तरीके से? अब काम तो भाई अब क्षेत्र में जाइएगा तब पता चलेगा कि कैसे दिख रहा है। तो बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा। मगर मंत्री जी के जो चमचे हैं ना वो बर्बाद करके रखे। अच्छा, मतलब मंत्री जी चाह रहे हैं उनके? हाँ, उनके लायक नहीं है। अच्छा, मंत्री जी तो चाह रहे हैं कि हमारा सीतापुर अच्छा चमके। अच्छा, मगर जो उनके चमचे हैं ना वो बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा। उनको चाहिए खाली पाकिट भरने के लिए। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को लेके क्या है स्कूलों में यहाँ, और जैसे अस्पताल वगैरह की व्यवस्था, उसमें भी दिक्कतें हैं? हॉस्पिटल में जाकर देखिए, अगर अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, जितना बड़ा हॉस्पिटल सीतापुर का बना है ना भाई साहब, अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। अच्छा। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं, बस वो डॉक्टर वहाँ है, वो डॉक्टर वहाँ है, वो वहाँ है, कोई मरा है, कोई जिया, कोई मतलब। आप बताइए दादा कुछ समस्या। बता तो रहे हैं। और आपका विचार क्या है, मंत्री जी को जो है वापिस सत्ता में इस बार बैठाना है? ये जनता के ऊपर है, हम लोग के ऊपर थोड़े ना है। जनता है आप भी तो हम लोग मैंने क्या कर सकते हैं, अकेले देने से जीत जाएंगे, एक वोट से जीत हो रहा है। हाँ, तो हम तो दे देंगे, जीत जाएंगे तो ठीक बात है। आप किसको, मंत्री जी को जिताएंगे? हम लोग को तो देखिए, जनता पार्टी में अगर हम वोट दे भी दें तो हमको कोई नहीं कहेगा कि ये जनता पार्टी में वोट दिया, विश्वास नहीं करते हैं। हम दे भी देंगे लेकिन विश्वास नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए बीजेपी में तौकीर रजा जी जो है प्रवक्ता के तौर पर हैं। ठीक बात है, ठीक है, लेकिन बीजेपी वाले विश्वास नहीं रखते हैं मुसलमानों पर। मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं, जो हम दे भी दें जी, वोट हम दे भी दें, लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि मुसलमान ने हमको वोट दिया। पर ऐसा क्यों सर? पता नहीं, अब उच्च अधिकारी भी बताएंगे इसके बारे में, है ना, इसलिए हम लोग भाई कांग्रेस को देते हैं, मजबूरी है। जैसे अगर विश्वास कर ले तो आप क्या बीजेपी की जो विचारधारा है उससे सहमत है? नहीं, सहमत हम सब में है, लेकिन इनकी पार्टी से का कहना है कि मुसलमान वोट देबे ही नहीं करता है। अच्छा, यहाँ के लोकल
नहीं बीजेपी जैसे जो बात हुआ है यहाँ कि दे तो ठीक है, 5-10 हजार वोट है, ना दे तो ठीक है। अच्छा, इस तरीके बीजेपी वाले जी। अच्छा बात निकली है तो एक सवाल मेरे मन में आया है, आप लोग से मुलाकात हुआ है तो जो राष्ट्रवाद की बात होती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राष्ट्रवाद है, आप लोग किस तरह से देखते हैं राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा होनी चाहिए? देखिए उनको तो हम सबको लेके चलना चाहिए बराबर, है ना, ये नहीं कि हम इनको रख दिए पिए तो इन्हीं का बात लेके चले, है ना, जैसे अभी चल रहा है कि भाई ये है हमारे पिए तो ये काटेंगे, ये देंगे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, पेट्रोल अलग अलग कर दिया, अलग अलग जिसको चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, समझे ना। कभी मंत्री जी से बात नहीं किए कि मुख्य धारा में हमको भी जोड़िए, हम भी तो आपको चाहते हैं? कौन मंत्री जी से, मतलब जो बीजेपी के नेतागण है उन लोग से जो है? अभी तो मुलाकातें नहीं हुआ है तो मैं क्या बताऊं। अच्छा, हम लोग के पास आवे नहीं किया है ना। अच्छा, मिलने भी नहीं आए, नहीं आए हैं अभी तक, हम लोग देखे नहीं है कि कौन है, नाम केवल सुने, नंबर भी भेजा है, नाम सुने हैं लेकिन हुआ नहीं। अच्छा, दूसरा में कोई भी पार्टी जीते हमको तो कोई करना नहीं है, कमाएंगे तो खाएंगे, है ना। आइए, सब गरीबी को देख रहे हैं, इनको मैंने कि हर व्यक्ति को अच्छा समझना चाहिए, गरीब हो अमीर हो सबको एक बराबर मैंने देखना चाहिए, है तो ये जो है गरीब को नहीं देते हैं, अमीर को देंगे। अच्छा, ये अमीर को देंगे, गरीब को नहीं देंगे, गरीब को पूछेंगे नहीं, है ना, ये है। अब महंगाई देख रहे हैं, महंगाई कितना बढ़ गया है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हर चीज का रेट बढ़ गया है। केंद्र में काम को किस तरह देख रहे हैं, जो बीजेपी का नरेंद्र मोदी का काम है उसको? नहीं, वो तो ठीक काम कर रहे हैं, ठीक काम ठीक कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है वो, उनके कार्यकर्ता भले गलत हो लेकिन मोदी गलत नहीं है, है ना। ना हमारे मैंने क्या बोलना चाहिए, राहुल गांधी वो भी कोई गलत नहीं है, उनके कार्यकर्ता गलत है तो उसको वो क्या करेगा, या मोदी भी क्या करेगा, दूसरा गलत है उसका कार्यकर्ता तो। 24 में लोकसभा चुनाव है, बेहतर कौन साबित हो सकता है देश? देखिए मोदी जी बोल तो रहे हैं सब कोई कि मोदी जी आएंगे बोल रहे हैं, अब देखिए आप किस करते हैं, है ना। तो आप हमारे साथ देख रहे थे सीतापुर की जनता को, जहाँ के विधायक वर्तमान के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं। और निश्चित तौर पर जो है विकास की बात करें तो सड़कों की समस्या, आवास की समस्या, पेंशन की समस्या, आम जनता ने बहुत ही बताया कि किस तरह से उन्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ये 17 नवंबर को जनता तय करेगी कि किसको चुनती है और किसको सत्ता में काबिज करती है। 3 दिसंबर को हमें आपको दोनों को पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में जनता बदलाव किया या फिर उन्हीं को दोबारा जो है सत्ता में बिठाया गया। फिलहाल के लिए इतना ही, मेरे सहयोगी दीपक साहू के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर 36।